मम्मी आज मुझे जल्दी मत उठाना। क्यों बेटे, तू 8 बजे तक सोया रहेगा तो मैं सोने दूंगी क्या? इसे तो तू आलसी बन जाएगा। अरे मम्मी समझा करो ना, मैं कल रात दोस्त की शादी में गया था इसलिए सारी रात सो नहीं पाया हूँ। तो मैंने थोड़ी बोला था कि तू पूरी रात शादी में मुजरा करना और फिर दिन भर सोते रहना। अच्छा ठीक है, अब सो जा, गुड नाइट। अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है, गुड नाइट माँ। बेटा ए बेटा, अगर सो रहा है तो उठ जा, मैं चाय बना रही हूँ। तो बनाओ ना, मैं कौन सा बर्तन में सोया हूँ जो दिक्कत दे रहा हूँ? इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। Oh, no. तो बताना पड़ेगा। ये लो करम जली, लाइट भी चली गई। अरे मम्मी लाइट चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, प्लीज कैंडल जला दो। लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है माँ? अरे नालायक, मुझे तेरा डूबता हुआ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है माँ, अब मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे कमीने, तू बिस्तर से बाहर तो निकल, मैंने तेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। अरे मम्मी आप मेरे लिए रोज नाश्ता में जलेबी और पोहा बनाती हो, लेकिन आज रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाया है, क्या बात है? अरे बेटा ये मैंने नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा, तो आपने अपने लाडले बेटे के लिए स्पेशल मंगवाया होगा होटल से? नहीं रे पगले, पड़ोसी के यहाँ बना था रसगुल्ला और गुलाब जामुन, लेकिन उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया। Oh, no. तो वो फेंकने जा रही थी तो मैंने उनको बोला, अरे बहन जी आप इसे फेंकिए मत, मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा खा लेगा। क्या मम्मी आपको मुझे कुत्ते का झूठा खिलाते हुए शर्म नहीं आई? अरे कमीने, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, तुझमें और कुत्ते में कोई अंतर थोड़ी है। तो मैं कुत्ता हूँ, देखो मम्मी दीदी मुझे देख देख कर हंस रही है। हाँ हाँ, तू खुजली वाला कुत्ता है। और सुन करम जली, तू खड़ी खड़ी दांत क्या फाड़ रही है, इधर आ, वो रोटियाँ पहन। लेकिन मम्मी मुझे तो रोटी बनाना आता नहीं है, फिर कैसे बनाऊंगी? अरे कमीनी, तू सीखने का प्रयास करती ही नहीं है। Oh, no. तो कैसे सीखेगी, यहाँ आ मेरे पास, मैं सिखाती हूँ तुझे रोटी बनाना। देखो मम्मी, मुझे सिखाने से तो बेहतर है आप खुद ही बना लो ना रोटी। वैसे भी रोटी की गर्म हवा लगने से मेरे हाथ जलते हैं। अरे बदतमीज लड़की, तूने मुझे नौकरानी समझा है क्या, जो मैं तुझे रोज अपने हाथों से गरम गरम रोटी बनाकर खिलाऊं? कैसी बात करती हो मम्मी, आप नौकरानी नहीं बल्कि मेरी प्यारी प्यारी माँ हो। अब रहने दे, तू मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा, और शादी के बाद जब ससुराल में तुझे खाना बनाना नहीं आएगा तो वो लोग तो मुझे ही कोसेंगे ना। Oh, no. कि तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा है। अरे मम्मी आप टेंशन क्यों लेती हो, मुझे पसंद आए ऐसा लड़का आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं तो शादी नहीं करूँगी। तू शादी नहीं करेगी तो उम्र भर कुंवारी रहकर मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, शादी को लेकर तो मेरे कई अरमान हैं और मैं शादी भी करना चाहती हूँ, पर ऐसा कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देख तू शादी के लिए ज्यादा नखरे मत लगाना और चुपचाप हाँ कर देना, वरना किसी काणे लड़के को पकड़ के उसी के साथ तेरी शादी करवा दूंगी मैं। अरे भाग्यवान, मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ तुम बच्चों से क्यों लड़ी जा रही हो। आइए आइए, आपकी ही कमी रह गई थी। क्यों, मैंने क्या किया जो तुम बच्चों को छोड़कर मुझ पर हमला करने लगी हो? तुम कर भी क्या सकते हो, तुम तो बहुत बड़े निकम्मे आदमी हो। क्यों, मैं कोई काम नहीं करता क्या? हाँ हाँ, आप कोई काम नहीं करते, अगर हिम्मत है तो जाओ मेरी साड़ी और पेटी को ढो डालो और बर्तनों को माँज कर दिखाओ, तब मानूं। बस इतनी सी बड़ी बात, देखो मैं अभी चुटकियों में करके दिखाता हूँ।